बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रब। ओए होए 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 होए, ये देखो अलमास खड़े खड़े बाइक चला रहा है, हम भी चलाएंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे। पानी देखो कहाँ से आ रहा है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइज कैसे हो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। तो गाइज आज मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ क्योंकि हम लोग आज कश्मीर निकलने वाले हैं, मैं और अलमास अपना जीटी वाला, जो अपना अलमास भाई है, हम दो कश्मीर जाने वाले। अचानक हमारा रात को प्रोग्राम बन गया, तो हम लोग अभी मॉर्निंग के टाइम, अभी 6 बजे हैं, तो हम लोग कश्मीर निकलने। मैं अभी ग्राउंड के पास हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी ग्राउंड के पास वेट कर रहा हूँ अलमास का। ये अपना बुराक रेडी है। तो गाइस ये हूँ मैं अभी ग्राउंड के पास, यहाँ पे कुछ बकरवाल भी आ चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो अभी मैं ग्राउंड के पास रुका हूँ, अलमास ऊपर से आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे विद इन 10 मिनट्स में। बच्चे भी खेल रहे हैं सुबह सुबह, ये देखो आप व्यू देखो सुबह सुबह ग्राउंड का। तो गाइस अभी हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मेरा बुराक है इसकी एक्चुअली लाइट्स आई है, वो आई है दिल्ली से, तो मैं उनको लगाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इधर ही मंगवा रहा था अपने किश्तवाड़ में, तो यू नो किश्तवाड़ में मुझे नहीं लगा कि कोई उसको अच्छे से फिट करे, जो मेरी बुराक की लाइट है जो दिल्ली से मंगवाई है, तो इसलिए मैं कश्मीर जा रहा हूँ, उसको प्रॉपरली फ़िट करके आऊँगा। और अपना अलमास भाई भी बोल रहा है चलो मैं भी आऊँगा, एक राइड भी हो जाएगी। तो गाइस और सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैं सिंथन टॉप वाला रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे सिंथन फेस्टिवल में, तब यू नो तब ऊपर हमें जाने नहीं दिया था, करेक्ट? आपने व्लॉग में देखा होगा हमें ऊपर जाने नहीं दिया था क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब था, बर्फ़ आ रही थी। तो आज हम आपको प्रॉपरली पूरा बर्फ़ दिखाएंगे, कितना बर्फ़ है पूरा दिखाएंगे आपको, यहाँ से सिंथन टॉप्स तक दिखाएंगे पूरा, कितना बर्फ़ है, कितना ज़्यादा बर्फ़ है, कहाँ का रोड ख़राब है, कहाँ का रोड अच्छा है। तो गाइस ये कुछ सुबह सुबह फ्रेंड आ गए अपने यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब कर, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो गाइस फिर आपको चल के दिखाते हैं सिंथन टॉप में कितनी बर्फ़ है, तो आगे अभी अलमास आएगा फिर चलते हैं, लेट्स गो गाइस। भंडार कुट वाले रास्ते से, ये बहुत डेंजरस रोड है, पता होगा आपको, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, देखो रोड कितना है। तो गाइस अभी हम पहुंच के भंडार कुट फ्लाईओवर, ओहो ये देखो बकरवाल देखो, इनका भी अलग ही नज़ारा होता है, एक ही साथ आपको 400 500 300 मिल जाएंगे बेड बकरियाँ, कभी बफेलोज भी मिलती है, इनका तो अलग ही नज़ारा होता है, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। तो ये अभी एक्चुअली पंजाब वाली साइड से आते हैं, हमारे इधर जम्मू एंड कश्मीर रहते हैं ये, कम से कम अभी आज से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में भी सितंबर एंडिंग से ये वापस निकल जाते हैं अपने वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद ठंड पड़ जाती है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं वापस पंजाब। ये देखो पीछे बेड थे, ये देखो बकरियाँ। तो गाइस फाइनली टेकरी भी क्रॉस हो चुका है, टेकरी में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही थी, तो हमने अभी टेकरी भी क्रॉस कर लिया, आगे हम रुकेंगे अभी ब्रेकफास्ट के लिए, जो अपना आलू फार्म है वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, अलमास पीछे आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए आलू फार्म, ये है अपना आलू फार्म नीचे, वो देखो जहाँ पे हमने लास्ट टाइम बाइकें उतारी थी वो नीचे। आज तो बर्फ़ नहीं है यहाँ पे क्योंकि पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा धूप चल रही थी, और तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ये पहुँच के हम ब्रेकफास्ट वाले के पास। तो गाइस हमने अभी तक ब्रेकफास्ट कर लिया प्रॉपरली, अंडा खाया, लवासा खाया, चाय पी नमकीन अपनी। तो ये हो गया वाटर क्रॉस, आ गया यहाँ पर, गर्म होगा ना यहाँ। चलो भाई आराम से।
चलो मैं अलमास, कम ऑन, क्या बाइक, ओहो बाइक कितनी वो हिलती है यार, पत्थर है ना, गोल गोल पत्थर होते हैं पानी के अंदर, इसलिए बाइक जंप कर रही थी। मम्मा कॉल कर रही थी, नेटवर्क यहाँ पे है इस जगह मैदान के ऊपर, इस जगह नेटवर्क है, तो किसी को भी कॉल करना होगा मैदान से थोड़ा ऊपर आओ, जहाँ पे आपको मैंने वीडियो दिखाया नीचे का, वहाँ से आप नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो फैमिलीज़ को। ऊपर भी आपको मैं दिखाता हूँ नेटवर्क, काफ़ी जगह है लोगों को पता नहीं है नेटवर्क कहाँ कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क कहाँ कहाँ है। जियो का नेटवर्क कहाँ जाता है, मेरे पास जियो है, वो देखो गाइस, वो सिंथन टॉप वाले रोड और बर्फ़, आज जाएंगे मस्ती करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ कंटिन्यू चलो वीडियो के साथ। वीडियो आगे मत करो, आराम से प्रॉपरली देखो वीडियो, कहाँ पत्थर है कहाँ रेत है पूरी देखो वो वीडियो में, कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ जंप आ रहे हैं वो भी देखो। तो गाइज, और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे में, नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि व्लॉग पे आपको, व्लॉग जब हम ख़त्म करते हैं उसके बाद आपको अपडेट मिलेगा, इंस्टाग्राम को आपको, इंस्टाग्राम पे आपको पहले अपडेट मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं राइड पर, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपको कन्फर्म होगा। तो काम ज़ोरों से चल रहा है इधर, ये देख लीजिए ये मैदान से थोड़ा ऊपर है, ऊपर से बर्फ़ आया है, यहाँ पे कंप्लीट रास्ता बंद है, क्या करें, जवानी दिखाएं, हाँ ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी है, अपनी बाइकें लग गई साइड में, तो मुझे लगता है आधा घंटा लग ही जाएगा इधर, है ना, है ना, आगे भी बंद होगा, मैं भी चेक करूँ। तो गाइस हमसे तो कुछ नहीं हुआ, आदमियों से, देखो रोड वैसा ही है, अभी जेसीपी आ रहा है, वो देखो वो जेसीपी आ रहा है, 10 मिनट में रोड खुल जाएगा। इंसानों ने किया था, साफ किया था, मगर यहाँ पे स्किड होगा, ऐसे बर्फ़ है, इंसान गिर भी सकता है, तो ये आ गया जेसीपी, इसके बाद 2 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। आप फटे मत सामने, तब तक बैलेंस गया, आपको जल्दी चाहिए ना, कोई बात, तो गाइस भाई गिर गई दोबारा, ओहो क्या हुआ, क्या टेढ़ा हुआ, क्या टेढ़ा हुआ, ये नंबर प्लेट टेढ़ी होगी तेरी, ये हटा मत सामने, ओहो अलमास की नंबर प्लेट यार टेढ़ी होगी। गाइस बर्फ चेक कर लो, चेक कर लो बर्फ, अलमास का बाइक का जो नंबर प्लेट है वो टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि जो मेरा पीछे बॉक्स है वो सीधे नंबर प्लेट पे गिरा, और मेरा जो बॉक्स है उसमें जो एलुमिनियम कलर की राड है वो भी टेढ़ी हुई है, क्योंकि मैं जब, आपने देखा होगा कि मैं निकल रहा था, आगे बंदा है तो इनबैलेंस हुआ, क्योंकि मैं ऊपर था, उधर मिट्टी थी ज़्यादा, मेरा पैर नीचे नहीं पहुँचा, क्योंकि नीचे रास्ता था, मैं रास्ते के ऊपर था, वहाँ मिट्टी थी ज़्यादा, तो मैंने पैर रखा, पैर इनबैलेंस हो गया तो बाइक गिर गई, ओहो नुकसान हो गया,
अच्छा, और मुझे टांग में भी लगी है, अभी देखता हूँ ऊपर जाके कितनी लगी। हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सिंथन टॉप। ये देख लीजिए, सिंगल रोड है अभी, सिंगल, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा है साइडों में। वेलकम, हैप्पी जर्नी NH224। गाइज चेक कर लो हम कितने ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखो रास्ता, तो ये देखो वहाँ पे बाइकें लगी है NH224। वही लोग कोकरनाग, अजबल, अनंतनाग इन डकसुम, 32 किलोमीटर इन डकसुम। तो गाइज आंखें जर रही, अभी अलमास गए हैं चश्मा लाने, अभी हम ये रखेंगे इधर। उस्मान, मैं तो पूरा बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो। ये देखो गाइस, कहवा ले लिया हमने विद ड्राई फ्रूट विद केसर, सिंथन टॉप का कहवा। तो गाइस अभी हम लोग चलाएंगे कॉन्टिनेंटल जीटी अलमास की। मिल्ला और जीटी की राइड लेते हैं हम। फोन इज ओके। बर्फ देखो भाई लोग, छह सौ पचास सीसी, आप समझ तो सकते हो कि बाइक कैसी हुई। अभी देखेंगे रॉक। तो देखो अलमास फुल टॉप से खड़े होके बाइक पे आ रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसका हैंडल ऊपर है तो इसलिए उसमें इंसान डायरेक्ट खड़ा हो सकता है। इसमें देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ तो हैंडल नीचे है ना, हैंडल काफ़ी नीचे है इसका, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये फुल एंजॉय कर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको।
जिसमें अल्लाह लिखा है ये है, देखो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है हाँ? देखा है कब? ये देखो गाइस, इसमें अल्लाह लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, इस साइड भी लिखा है, और पूरे पेड़ में भी लिखा है, ये देख लो। ये मिलेगा आपको सिंधन टॉप से, जब नीचे उतरोगे एक दो मोड़ क्रॉस करके तो नीचे लेफ्ट वाली साइड मिलेगा आपको ये। तो गाइस यहाँ पे क्राउड क्यों है, मैं भी यहीं पे रोकते होंगे गाड़ियाँ। हाँ यहाँ क्यों रोका है, यहाँ क्यों रोका है? सईद उमर SYED, सईद उमर, सईद उमर SYED में यार किश्तवाड़। यहाँ बंद क्यों रखा है? नहीं खराब नहीं, साफ है यार रोड। ये दूसरा बाइक ये अपने राइनो के बैग जो पकड़े थे मामू के लड़के ने, हाँ ये भी है, ये भी है, तो ये देख लीजिए। ये देखिए कितने है, इसके तो कम ही है, ये ज़्यादा नहीं चढ़ाता। ये सर आ गया राइनोक्स का बैग। तो गाइस फाइनली लग गए राइनोक्स के बैग। ये देखो ये मामू का लड़का है, कश्मीर में घूमता है, शादी कर ली तो फिर घूमता है। हाँ 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 आराम से। तो ये लग गए फाइनली, अभी हम हाईवे पे आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो राइनोक्स के बैग लग गए पीछे बाइक पे। कैसी लग रही है अब अपनी TR के फुली पैक? बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो गाइस ये कुछ लोग मिले हैं, बोरे हमें भी लाओ व्लॉग में, तो हमने इनको भी लाया। से चलो यार, क्यों करना है ऐसा? अभी भी एक KTM वाला निकल गया तो सीधे मेरे हैंडल के पास उसे कट मारा यार। हल्का सा मैं उधर दे देता तो एक्सीडेंट हो जाता। आराम से चलो यार, सेफ्टी है तो सब कुछ है, जान है तो जान है, पीछे आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके भाई है, बहन है, जब आप मरोगे तब रियलाइज होगा। ये देखो रेस लगा रहा अभी अलमास के साथ। आगे पे पहुंच गए फाइनल वेन्यू। देखो पीछे लोगो लगा बाइक फ्रॉम कश्मीर। तो गाइस हम लोग पहुंचे अभी आकिब भैया के शोरूम में, लग्जरी मशीन। ये देखो अलमास पानी पी रहा है। इस बाइक की हमने अभी राइड ली,
तो ये अभी हम लोग ब्राउज लगाए हैं, इसमें हम ये वाली लाइटें लगा रहे हैं, इसमें कवर भी लगता है, ये वाला ये वाइट है, ऊपर से कवर लगा है। अभी हम लोग इसको खोल रहे हैं, बॉक्स भी खोल दिया, टेढ़ा हुआ था। ओके गूगल टर्न ऑफ द वॉल्यूम। ये बॉक्स खोल दिया हमने, लग्जरी मशीन ये देखो, ये है, ये बाइकें लगी है बाहर। फाइनली हेलो गाइस, तो फाइनली लाइटें लग गई है, देखो ये भी नई लगाई मैंने, और ये जो है दो लाइटें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये लाइटें डायरेक्ट नहीं ऑन होगी जैसे पहले डायरेक्ट ऑन होती थी, देखो चाबी ऑन की, ये मैं अभी लाइट ऑन करता हूँ, ये दो जल गई, ये और ऑन करता हूँ ये दो। इसको हम कवर निकालेंगे तो वाइट आ जाएगी, ये कवर वापस लगाया, येलो दोनों ऑप्शन है, वाइट और येलो। फाइनली लाइट लग गई अपने बुराक में, और ऑन ऑफ सबसे जो इशू था वो था ऑन ऑफ का, ये डायरेक्ट ऑन ऑफ होगी। तो गाइस फाइनली लग चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो गाइस अभी निकलते हैं आके भाई के घर। तो ये व्लॉग अभी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमें कल निकलना है वापस किश्तवाड़ को शॉपिंग करनी है, मॉर्निंग हम 12 बजे निकलते हैं। तो गाइस बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Yeah!